सब्जेक्टिव शीट नंबर 39 कितने लोगों ने ट्राई की? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 या 4 डाउट, ठीक है। दूसरे बैच का डाउट मैं डाउट बता देता हूँ क्या पूछे। सारे क्वेश्चंस कोई और हैं तो पूछ लेना। एक तो ये पूछा, 4 पार्टिकल्स हैं और इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन रिमूव्ड वाला, एक पोर्शन को काट दिया, मैंने नेक्स्ट टाइम करवाना है तो ये भी छोड़ दें। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ये वाला, ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स ऑफ मास 1 kg, 2 kg and 3 kg लाइज एट पॉइंट 3, 3, 3। 3 पार्टिकल्स हैं और उनका सेंटर ऑफ मास गिवन है। तो यानी कि अगर ये M1 है, ये M2 है और ये M3 है, तो ये मेरे पास X सेंटर ऑफ मास है, Y सेंटर ऑफ मास है और Z सेंटर ऑफ मास है। मेरे को इनके इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब वो कह रहे हैं चौथा पार्टिकल और आ गया M4। अब नया सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया और नया सेंटर ऑफ मास ये रहा, ये रहा, तो ये नया सेंटर ऑफ मास हो गया। तो आपको बताना है कि फोर्थ पार्टिकल का एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक, तो रूल नंबर 1 ध्यान से देखो कैसे करना है इसे। पहले एक बात बताओ, ये 3 पार्टिकल्स हैं, ये 3 पार्टिकल के 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, 1 kg का अलग, 2 का अलग, 3 का अलग, x y z, फिर उनका सेंटर ऑफ मास क्या आने वाला है, 3, 3, 3। ये तो ऑलरेडी सॉल्व है। क्यों ना ऐसा करें, हम ये मान लेते हैं कि 3 + 2 + 1 कितने kg हो गए, 6 kg का कोऑर्डिनेट है 3, 3, 3। एक ही बॉडी ले लो ना, उसका सेंटर ऑफ मास तो गिवन ही है। तो एक ही बॉडी है 6 kg और उसका सेंटर ऑफ मास गिवन है, तो उसका कोऑर्डिनेट गिवन है। रिज्यूम कर लिया, क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं, इससे पहले क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सॉल्व करके भी क्या करेंगे, आंसर तो यही आने। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसका कोऑर्डिनेट आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब मैंने 6 kg के साथ एक 4 kg का मास और अटैच कर दिया, तो मान लो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, z, और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, 1, 1 and 1। तो ये क्या आ गया, इसका सेंटर ऑफ मास। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास ये आएगा। तो अगर मैं पहली इक्वेशन बनाऊं x सेंटर ऑफ मास की, विच विल बी इक्वल टू m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो रादर सीधा वैल्यू की पुट कर लेते हैं। देखो तो x सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितनी है, 1, 1 क्या होगा, m1 का मतलब 4 × x प्लस 6 × कितना, 3 डिवाइडेड बाय 4 + 6। सॉल्व करके कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया, x कोऑर्डिनेट आ गया। ये रूल समझ में आ गया? तो हमने एक ही बॉडी ले ली इसकी 6 kg, कोऑर्डिनेट गिवन है 4 kg का कोऑर्डिनेट मान लिया कुछ भी, और एक सेंटर ऑफ मास इन दोनों का ये रहा। तो ऐसी y कोऑर्डिनेट के लिए लगाते हैं, y सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट तो 1 है, विच विल बी इक्वल टू 4 × y प्लस 6 × y 1 डिवाइडेड बाय 4 + 6। सॉल्व करके क्या आ गया आपके पास, y 1, और ऐसी क्या आ जाएगा, z 1। अच्छा क्वेश्चन है ये।